जम्मू में स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार के लिए कई अन्य पहलों को छोड़कर रियासी ब्लॉक खुले शौच मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त रियासी रविंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। संविधान ऑडिटोरियम SMVD नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के ककड़ियाल कटरा में स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों पर दूसरी तिमाही की समीक्षा बैठक के अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्य मंत्री अजय नंदा ने अधिकारी को यह पुरस्कार दिया। इस अधिकारी को केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपनी असाधारण समर्पण और उपलब्धि के लिए मान्यता प्राप्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप रियासी ब्लॉक को बहुत ही कम समय में ODF बनाया गया। विशेष रूप से अधिकारी ने कई लोगों को स्वच्छता के मौके पर स्वच्छता के लिए आम लोगों को एकजुट करने के लिए कई दरवाजे के दरवाजे, जागरूकता कार्यक्रम, अभियान अप्स अप आदि का शुभारंभ किया। तो वही इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत 10 आइकॉन सिटीज जिनमें अजमेर शरीफ दरगाह, CST मुंबई, गोल्डन टेंपल, कामाक्षी देवी मंदिर, मणिक्रमिका घाट, मीनाक्षी टेंपल, श्री माता वैष्णो देवी, श्री जगन्नाथ मंदिर, ताजमहल और तिरुपति आदि पवित्र स्थानों को स्वच्छ बनाने में केंद्र सरकार निरंतर अपना कार्य कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण व विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को नगर कटरा के साथ लगते गांव टन में जल्द से जल्द डंपिंग यार्ड में आधुनिक मशीनें लगाने का आग्रह किया, ताकि गांव वासियों को गंदगी के कारण हो रही परेशानी से निजात मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेरी हार्टली वेलकम तोमर साहब एंड टू थैंक हिम for finding the opportunity to be with us here this morning, not only for a review of what has so far been done in the first phase of 10 iconic places, but to also announce the very important announcement of the next 10 iconic places. This is big news. We have not registered it so far. This is very good news. Now, yesterday I had the very useful opportunity of spending an hour and a half with Mr. Parameshwar Maiyar and Mr. Akshay Rawat and friends from the IOCL who are helping us in Katra and Nishtain, and quickly going over what we have been doing, what we plan to do, and what the various issues and problems. The block is being announced, ODF, Open Defecation Free, that is the block of Riyasi, our block. और मुझे विश्वास है कि किसी से प्रेरित होकर के दूसरी पंचायतें और दूसरे ब्लॉक भी इसकी गति बढ़ाएंगे इस अभियान की। और जहां तक स्वच्छता अभियान और आइकॉन का ये अभियान है, आदरणीय तोमर जी की के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा के चलते कटरा वैष्णो देवी का चयन किया गया है। ये हमारे लिए आस्था का भी स्थल है, पर्यटन का भी स्थल है। सरकार ने सदा इसे प्राथमिकता दी है। आपको स्मरण होगा कि सरकार बनने के कुछ ही सप्ताह के उपरांत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रमुख कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, जिसके लिए यहाँ पधारे थे और यहाँ के रेल स्टेशन का लोकार्पण हुआ था। उसके बाद निरंतर इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि भारत की मुख्य धारा की जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनका हिस्सा बन करके ये क्षेत्र और ये प्रदेश प्रगति करेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो संबंधित मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, संबंधित एजेंसीज हैं, वो सारी सूझबूझ के साथ जो भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके पास सारी इनपुट्स उपलब्ध रहती हैं। और इसलिए गायबाना कैजुअली इन संवेदनशील विषयों पर बयान देना उचित नहीं रहता, ना हमारे लिए ना